हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आगामी परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आने वाले समय में यूपीपी और लेखपाल दोनों ही बहुत ज़रूरी परीक्षाएं हैं, जिसमें हिंदी जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिंदी के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स दिला सकते हैं, अगर हमने सभी टॉपिक्स अच्छे से पढ़े हुए हैं और सभी की प्रैक्टिस की है तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और अच्छे से सभी टॉपिक्स को रिवाइज करिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस चैनल पे डेली एमसीक्यू की सीरीज़ ला रहे हैं। पिछले दो वीडियोस में हमने वर्णमाला के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को सॉल्व किया है। आज की सीरीज़ में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी पे आप जुड़ सकते हैं और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये हमारी कोचिंग का लोगो है जिसपे सिलेक्शन मैटर के नाम से आप हमें यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संज्ञा। आज के टॉपिक में हम लोग संज्ञा के टॉपिक के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के एमसीक्यू सीरीज़ के लिए आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए ला सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? इसमें पूछा है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ए मिठाई, बी पढ़ाई, सी लड़ाई और डी उतराई। चार शब्द हैं जिसमें से पूछा है कि कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। आप 5 सेकेंड आपको दिए जा रहे हैं, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो ध्यान रखिए कि पढ़ना से पढ़ाई, लड़ना से लड़ाई, उतरना से उतराई, लेकिन जो मिठाई शब्द है ये हमारा किसी भी प्रकार का भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट, मिठाई कोई भी भाववाचक संज्ञा नहीं है, कोई भी भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ये भाववाचक संज्ञा नहीं है तो कौन सी संज्ञा है, तो मिठाइयाँ कई तरह की होती हैं, मिठाई जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। ध्यान रखें कि जो मिठाई है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन 4 आपको दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है गाय, पहाड़, यमुना और आम। जल्दी से बताइए कि कौन सा है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हम लोग संज्ञा के बारे में जितना जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं, तो इसमें संज्ञा के भेद अगर आपसे पूछे जाएं कि अगर प्रमुख रूप से भेद बताइए संज्ञा के, प्रमुख रूप से कितने भेद होते हैं, तो आप सिर्फ 3 भेद बताएंगे। संज्ञा के प्रमुख रूप से 3 भेद होते हैं, और ये 3 भेद कौन कौन से होते हैं, जिसमें एक हम लोग लिखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद यहीं पर होता है हमारा भाववाचक संज्ञा। कौन सा होता है? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और यहीं पर जो तीसरा भेद हम लोग पढ़ते हैं वो होता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। लेकिन अब इस जातिवाचक के भी 2 भेद हम लोग पढ़ते हैं, जिसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, या फिर दूसरा ऑप्शन जो है इसका दूसरा भेद वो होता है समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि अगर हमसे प्रमुख रूप से भेद पूछे गए हैं तो फिर हम 3 बताएंगे कि संज्ञा के प्रमुख रूप से 3 भेद होते हैं। लेकिन अगर कुल भेद पूछे जा रहे हैं, आपसे बोला जाए कि संज्ञा के कुल भेद बताइए, तो कुल भेद में आप कितने भेद बताएंगे, ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक जुड़ जाएंगे, तो कुल भेद आपके 5 भेद हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 5 भेद। तो इस क्वेश्चन में हमने देख लिया कि कितने भेद होते हैं। आप जल्दी से बताइए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो जब भी किसी का प्रॉपर नाम, स्पेसिफिक नाम दिया जाए तो वही क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन ए में गाय है और इसकी कई सारी प्रजातियां होती हैं, इसलिए ये किसमें आएगा? जातिवाचक संज्ञा। पहाड़ शब्द भी किसमें आएगा? जातिवाचक संज्ञा। और आम शब्द भी किसमें आएगा? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन ये जो यमुना है, ये किसी भी नदी का एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है। अगर यहाँ पर नदी होता तो ये भी कैसी हो जाती? जाति
व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन नदी नहीं दिया गया है, यमुना है, तो यमुना किस में आएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये जो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यमुना जो है वो कैसी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आशा है आप सभी को समझ आ रहा होगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए शेयर जरूर करिए, जिससे हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस ला पाएं। पूछा है आपसे यहाँ पर व्युत्पत्ति होगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। जैसा कि हमने पीछे देखा कि व्युत्पत्ति पूछा जाए या प्रमुख रूप से पूछा जाए, तो इन सभी के जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं 5, 6, 3 और 4। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति या प्रमुख रूप से पूछा जाए तो सिर्फ कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। 3 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के सिर्फ 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है, कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है। ये ध्यान रखिए, नहीं में बहुत कंफ्यूजन होता है, जहाँ पर पूछा जाए है या नहीं है, तो इस नहीं पे फोकस जरूर करिए। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ऑप्शन नंबर ए भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, संख्यावाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, इनमें से कौन सा है जो संज्ञा का भेद नहीं है, संज्ञा का भेद नहीं है। जल्दी से बताइए क्या हो सकता है। तो जैसे कि पीछे हमने देखा कि था 3 भेद होते हैं अगर प्रमुख रूप से पूछा जाए, तो इन 3 भेदों में हम लोगों ने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब इस जातिवाचक के ही 2 भेद और भी देखे हमने, जो होता है द्रव्यवाचक और समूहवाचक। लेकिन अब इसमें क्या है, भाववाचक ए होता है, जातिवाचक होता है, समूहवाचक होता है, लेकिन हमने अभी तक संख्यावाचक नहीं पढ़ा। मतलब कि जो संख्यावाचक संज्ञा किसी भी प्रकार की संज्ञा नहीं होती है। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। जिसमें जो करेक्ट आंसर है वो संख्यावाचक संज्ञा कोई भी नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन सी इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है कि इसमें एक शब्द दिया गया है आपको, कोयल। कौन सा शब्द दिया है? कोयल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? कोयल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए समूहवाचक, बी भाववाचक, सी जातिवाचक और डी द्रव्यवाचक। जल्दी से बताइए कि कोयल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। कोयल शब्द, अभी ध्यान रखिए कि आपसे कोयल पूछा जाए या फिर तोता पूछा जाए या फिर चिड़िया पूछा जाए या फिर गाय पूछा जाए, ये सभी की अलग अलग प्रजातियां होती हैं अलग अलग तरह से। तो इस ध्यान रखिए कि ये जो हैं सभी किस में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में। किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कोयल शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा का ही एक उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है, इसमें ये बताना है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं क्रोधी, क्रोधित, क्रोध या फिर क्रुद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है, संज्ञा है? जल्दी से बताइए विच वन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही होगा जो कि संज्ञा शब्द हो। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो ऑप्शन नंबर सी जिसमें दिया है क्रोध, क्रोध ही एक ऐसा शब्द है जो कि संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द है। अब अगर यहाँ पे क्रोधित लिखा है तो इसका मतलब भी किसी व्यक्ति की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। क्रोध जो है वो क्या है? एक संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे आपसे पूछा है कि स्त्रीत्व शब्द में, स्त्रीत्व एक शब्द दिया गया है यहाँ पे, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शंस हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जल्दी से बताइए कि स्त्रीत्व, तो आप जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो स्त्रीत्व शब्द है ये स्त्री शब्द से ही बना हुआ एक शब्द है, और स्त्री शब्द को ही अगर हम लोग भाववाचक में बदलें, किसमें बदलें? भाववाचक में बदलें, तो ये भाववाचक शब्द ही हमारा क्या बन जाता है? स्त्रीत्व बन जाता है। क्या हो जाता है? स्त्रीत्व बन जाता है। इसका मतलब कि जो स्त्रीत्व है वो कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पर स्त्री की जगह आपको अगर मानव शब्द दिया जाए तो
मानव शब्द से भी क्या बन जाएगा, मानवता। और कौन सी संज्ञा से मानवता बनेगा, भाववाचक संज्ञा से। इसका मतलब कि मानव से भाववाचक जो बनेगी वो क्या बन जाएगी, मानवता। ठीक है, इस तरह अगर आपसे बच्चा बोला जाए तो इस बच्चा से भी भाववाचक शब्द बनेगा जो क्या बन जाएगा, बचपन। तो बच्चा से बचपन बनने वाली संज्ञा जो हो जाएगी कौन सी, भाववाचक। और कौन सा शब्द बनेगा भाववाचक, हो जाएगा बचपन। समझ में आ गया, तो बताइए जल्दी से कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा होगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कि जो भाववाचक संज्ञा है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है कि आपको एक शब्द दिया गया है मित्रता। मित्रता एक भाववाचक संज्ञा है, जैसा कि हमने पीछे देखा कि इस मित्र शब्द से ही क्या बन जाता है, मित्रता। मित्र शब्द से ही मित्रता बन जाता है। और ये मित्रता कैसी संज्ञा हो जाएगी, मित्रता कैसी संज्ञा हो जाएगी, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब इसमें पूछा है आपसे कि मित्रता एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, यह किस शब्द से बनता है, मित्रता किस शब्द से बनता है। तो अब मित्रता जो है वो किस शब्द से बना है, मित्र शब्द से बना है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्रिया, सर्वनाम, जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। तो ये जो मित्र शब्द है, आपसे ये पूछा है कि उस मित्र शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो मित्र शब्द जो है वो क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा का ही एक उदाहरण है। मित्र शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मित्र शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और मित्र शब्द से ही क्या बनी है, हमारी भाववाचक संज्ञा मित्रता बनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन सी है। पीछे पूछा था कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए बचपन, बी दौड़, सी चोरी और डी अफ्रीकी। कौन सी है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है, जल्दी से बताइए। जैसा कि हमने देखा पीछे कि इस बचपन शब्द में जो भाववाचक संज्ञा बनी है वो किस शब्द से बनी है, बच्चा शब्द से बनी है। कौन सी, बचपन। और ये बच्चा शब्द कैसा होता है, ये जातिवाचक संज्ञा होता है। कौन सा, कैसा होता है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब बी जो है दौड़, ये भी क्या है, भाववाचक संज्ञा। चोरी भी क्या है, भाववाचक संज्ञा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है अफ्रीकी, ये कोई भी भाववाचक संज्ञा नहीं है। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, अफ्रीकी जो है वो कोई भी भाववाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें पूछा है आपसे कि सभा शब्द दिया गया है आपको, सभा में कौन सी संज्ञा है, सभा में कौन सी संज्ञा है, सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन 4 आपको दिए गए हैं, जिसमें जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। जातिवाचक संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी, फिर समूहवाचक संज्ञा होगी। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जैसा कि यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है सभा, अब कोई भी सभा या सम्मेलन होता है तो अकेला व्यक्ति नहीं करता, इसका मतलब इसमें कई सारे लोगों का ग्रुप होता है, कई सारे लोग इकट्ठा होते हैं। इसका मतलब ये जो सभा शब्द है वो कैसा शब्द है, एक समूहवाचक संज्ञा है, जिसमें कई सारे लोग एक समूह में होते हैं। ठीक है, तो सभा शब्द कैसा है, समूहवाचक। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, सभा शब्द कैसा है, समूहवाचक संज्ञा। अगर इसी जगह पे सभा की जगह सेना लिखा हो, क्या लिखा हो, सेना लिखा हो, तो सेना भी आपका कैसा है, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आशा है आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हरियाली में कौन सी संज्ञा है, हरियाली में कौन सी संज्ञा है, हरियाली शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। जल्दी से बताइए कि हरियाली में कौन सी संज्ञा है। और ये भी बताना है यहाँ पर आपको कि ये जो हरियाली शब्द है वो किस शब्द से बना है, किस शब्द से बना है हमारा हरियाली शब्द, हरियाली शब्द किस शब्द से बना है। तो ये जो है हरा शब्द, कौन सा, हरा शब्द से ही क्या बना है, हरियाली बना है। और ये हरियाली कैसी संज्ञा है अगर आपसे ये पूछा जाए, तो ऑप्शन सी हरियाली जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है। हरा से ही क्या बना, हरियाली। और हरियाली कैसी संज्ञा है, एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए सुशील, बी बुढ़ापा, सी डॉक्टर और डी कामायनी। जल्दी से बताइए कि कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है।
तो संज्ञा के बारे में हमने पहले भी चर्चा किया कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। अगर प्रमुख रूप से भेद पूछे जा रहे हैं तो सिर्फ तीन भेद होते हैं, जिसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब इस जातिवाचक के ही दो पार्ट और भी होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब इसमें ये बताना है आपको कि जो जातिवाचक संज्ञा है इसमें से कौन से शब्द में है। तो जैसा कि सुशील एक प्रॉपर किसी व्यक्ति का नाम दिया जा रहा है तो ये कैसा होगा, व्यक्तिवाचक, बुढ़ापा, बूढ़ा से बुढ़ापा, ये कैसी हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा, कामायनी। आपको कामायनी से सभी लोग परिचित होंगे कि कामायनी जयशंकर प्रसाद की एक रचना है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की एक रचना है। तो ये कामायनी किसी भी रचना का एक नाम दिया गया जा रहा है पर्टिकुलर, तो कामायनी भी कैसी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी पे जो डॉक्टर दिया गया है, ये डॉक्टर मेल्स भी हो सकते हैं और फीमेल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये जो डॉक्टर शब्द है यही क्या है, जातिवाचक संज्ञा का ही एक उदाहरण है। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर कि जो डॉक्टर है वो जातिवाचक संज्ञा का ही उदाहरण है, ठीक है। आशा है आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि आप जब तक शेयर नहीं करेंगे तो और ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन की सीरीज आपके आने वाली लेखपाल और यूपी पुलिस कई सारी परीक्षाओं के लिए जिसमें हिंदी आती हो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सॉल्व करवाएँ, उनके प्रैक्टिस सेट लगा पाएँ। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और ये हमारा कोचिंग का कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे कॉल या मैसेज करके आप हमारे और भी पेड कोर्सेज या फिर और कोर्सेज के बारे में और क्लासेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।